मेघालय में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा समेत कांग्रेस पार्टी के 18 में से 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ मेघालय में अब तृणमूल कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। सूत्रों के मुताबिक इन सभी विधायकों ने शिलोंग में टीएमसी ज्वाइन की। मेघालय में तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी बढ़त हासिल की है। एक झटके में यहां पांव पसारते हुए टीएमसी ने कांग्रेस सरकार के पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत 11 कांग्रेस विधायकों को दल में शामिल कर लिया है। टीएमसी ज्वाइन करते हुए मेघालय के पूर्व सीएम मुकुल संगमा ने कहा कि उनको अफसोस है कि कांग्रेस एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका अदा करने में असफल साबित हुई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से टीएमसी के लिए माहौल बना रहे रणनीतिकार प्रशांत किशोर मेघालय की राजधानी शिलोंग में हैं। उनके शिलोंग यात्रा के पहले ही मुकुल संगमा कुछ दिनों पहले कोलकाता गए थे। कोलकाता में उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। गुरुवार को इस घोषणा के बाद इस मुलाकात और पीके के शिलोंग में मौजूदगी की वजह से पर्दा उठ चुका है। इसे पीके का टीएमसी के पक्ष में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। समझा जाता है कि विंसेंट एच पाला को मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख बनाए जाने के बाद उनकी और पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकुल एम संगमा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पिछले महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुकुल संगमा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विंसेंट एच पाला से एक साथ मुलाकात भी की थी। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के साथ कांग्रेस के 17 में से 11 विधायकों ने कांग्रेस को बाय बोल दिया है। ये सभी अब टीएमसी ज्वाइन कर लिए हैं। दरअसल संगमा कई महीनों से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। बताया जा रहा है कि राज्य में विंसेंट पाला को मेघालय कांग्रेस का प्रमुख बनाए जाने के बाद यह फूट पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि मेघालय में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि नए विधायकों के साथ आने से तृणमूल कांग्रेस राज्य में प्रमुख विपक्षी दल बन गई है। टीएमसी देश के छोटे राज्यों में लगातार बढ़त बनाकर कांग्रेस के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित कर रही है। कुछ महीनों पहले ही टीएमसी ने त्रिपुरा और असम में अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद गोवा में भी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को ज्वाइन कराया। एक दिन पहले ही बिहार और हरियाणा में भी कई बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।